पिछले 4.5 सालों में दो नेता लगातार चर्चाओं में रहे और दोनों प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर से आते हैं, जहां पर राजनीति गुट्टी की तरह पिला दी जाती है। एक हैं अशोक गहलोत और दूसरे नेता हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। अशोक गहलोत के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है और उनका सपना है कि राजस्थान की राजनीति में पिछले 3 दशक से जो ट्रेंड चलता आ रहा है वो उसको तोड़ सके। तो गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी सरकार में तीसरी बार, उनके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार लाने में जो सबसे कारगर और सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है उसको धरातल पे उतारने की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। अपना राजनीतिक करियर उन्होंने छात्र राजनीति से शुरू किया और 2 दशकों बाद संघ के संस्कारों की भट्टी में तपकर कुंदन बने गजेंद्र सिंह शेखावत। जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो छा गए और पॉलिटिकल सीरीज के जो पॉलिटिकल इंटरव्यूज का जो सीरीज है, आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस सीरीज में। और शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और काफी कुछ जो पिछले लंबे समय में जो घटा है उस पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं, खुलकर वार्तालाप करना चाहते हैं कि आगे की भाजपा और प्रदेश की किस दिशा में आगे की राजनीति जो है बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद, स्वागत। गजेंद्र सिंह जी, शौचालय से लेकर चांद तक का ये सफर, और आप पिछले 9 सालों से नरेंद्र मोदी के उन खास चेहरों में भी रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं, ये सफर आप कैसे देखते हैं? 2014 में जब देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, देश के 62% लोगों के पास में सामान्य शौचालय की सुविधा नहीं थी। देश के 84% लोगों के पास पीने का पानी घर में नल के माध्यम से नहीं पहुंचता था। स्वच्छ पानी तो छोड़ दीजिए, पानी होता नहीं था। देश में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास में आवास की सुविधा नहीं थी। देश के हजारों गांवों में बिजली नहीं थी, करोड़ों घरों में बिजली नहीं थी। ये जो सामान्य आवश्यकता की चीज है, देश के 50 करोड़ बैंक खाते घरों में या परिवारों के पास में बैंक खाते नहीं थे, ये जो सामान्य चीजें, और इनके कारण से जो संकट थे, जो अवरोध थे, उन अवरोधों को समाप्त करते हुए इस संकल्प के साथ में हम सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन ला करके और देश के हितों के साथ में कोई भी समझौता किए बिना हम काम करेंगे। 9 साल में परिणाम सामने आए। एक तरफ जहां मूलभूत आवश्यकताओं के संकट से देश को निकाल करके नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 13 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालना, और साथ में विश्व के फलक पर भारत का नाम पूरे सम्मान के साथ में अंकित हो सके, इस दृष्टिकोण से इस तरह के फैसले लेना, कड़े फैसले, कठोर फैसले, लेकिन देश हित में फैसले। 2014 में जो सबसे बड़ी योजना थी वो स्वच्छता थी। 70 साल आजादी के बाद भी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, लेकिन 2019 आया, आपने 2019 तक उस स्वच्छता के इतने बड़े मिशन को पूरा कर लिया। अब 2019 आया तो जल, जो जाहिर तौर पर जीवन है, तो जल जीवन मिशन एक बड़ा जिम्मेदारी आप पे है। आप देश के पहले जल शक्ति मंत्री भी हैं, तो इस मिशन में आपकी कामयाबी या आगे कितने अभी अड़चने हैं, कितनी ये मूलभूत सुविधाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए आपका क्या, कहां पर पहुंच गए और आगे कितना चलना बाकी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत जैसा देश, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था, 100 करोड़ लोग एस्टिमेट किए गए थे ओपन डेफिकेशन के लिए जो अभिशप्त थे, उनमें से 60 करोड़ भारत में थे। 2030 तक का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा हम 2019 तक इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद जुटे हैं, उनके नीचे पूरा देश खड़ा हुआ। और 2019 के उस सौभाग्यशाली दिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के श्रीमुख से देश ने अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हम 2024 तक हर घर तक पीने का पानी समुचित मात्रा में, उचित गुणवत्ता का और निरंतर नियमित रूप से पहुंचाएं, इस लक्ष्य को लेकर के जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। हम जानते हैं संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जल राज्य का विषय के होने के चलते, और हर राज्य की देश में अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति, अलग अलग तरह की तैयारी इस विषय को लेकर के, अलग अलग तरह की परिस्थिति इस विषय को लेकर के। गुजरात तो पहले 65% पे था, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश 1 से 2% के बीच में जूझ रहे थे। 2.5 करोड़ घरों में से 1 से 2% तक पानी जाता था। राजस्थान जैसा प्रदेश 11-12% पे था। सर, राजस्थान का मिशन कैसे होगा? वो तो आपने फंड की बात करी,
ये फंड हम दे रहे हैं लेकिन काम वहां नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था, इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? राजस्थान जो पैरामीटर्स बनाए गए थे, क्वालिटी को लेकर के राजस्थान में चैलेंजेस हैं, डिस्टेंस को लेकर के चैलेंजेस हैं, वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर के चैलेंजेस हैं, कवरेज को लेकर के चैलेंजेस था, भौगोलिक जो है ज्योग्राफिकली सबसे लार्जेस्ट स्टेट था इसलिए भी चैलेंज था, सबसे ज्यादा संसाधन राजस्थान को दिए गए लेकिन राजस्थान खर्च करने में चूक गया। पहले अधिकारी बदलते रहे, मंत्री बदलते रहे और उसके बाद में जिस तरह से उस काम को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने की कोशिशें हुई उसके चलते वे राजस्थान पिछड़ता गया अब नीचे से चौथे पायदान पर है। लगातार पिछले 3-4 साल में नीचे के 3-4 पायदानों पर ही राजस्थान संघर्ष कर रहा है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है और राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर के काम करने की आवश्यकता है, काम को गति बढ़ाने की आवश्यकता है। आज भी राजस्थान के कुल मिलाकर के 1.56 करोड़ कनेक्शंस जो होने थे 11-12 लाख के बीच में पहले से रिपोर्टेड थे, जो बचे हुए कनेक्शंस थे उसमें आज भी लगभग 1/3 गांव ऐसे हैं जहां काम धरातल पर प्रारंभ नहीं हो पाए। इंटेंशंस की कमी मानते हैं आप? निश्चित रूप से कमिटमेंट की कमी है और प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता जो होनी चाहिए उन प्राथमिकताओं में जब ऐसे विषय सम्मिलित नहीं होते और सरकार की प्राथमिकता केवल और केवल कुर्सी बचाना होती है तब इस तरह के जनउपयोगी कार्य, इस तरह के सामान्य मानवीय के जीवन में प्रभाव डालने वाले काम, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले काम। देखिए नल से पानी पहुंचना केवल पीने का पानी घर पर पहुंच जाएगा इतना ही नहीं है। माइकल क्रेमर जो नोबल लॉरेस्ट हैं शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं उनका अध्ययन कहता है कि 1,56,000 लोगों का जीवन बचने वाला है। सोशल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं इसको जो आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन एक खास बात मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूं। सोशल सिक्योरिटी के बजाय मुझे कहें कि मुझे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि ईज ऑफ लिविंग है। ईज ऑफ लिविंग मूलभूत सुविधा भी है, पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दो चीजें हुई जो पिछले 2014 से लेकर अब तक में हुई। एक ये कि नमामि गंगे इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, नमामि गंगे अगर हम थेम्स की या दूसरी बड़ी इस बात करें कि उनकी सफाई का, जो आपने 7 साल के अंदर शायद पूरा कर लिया जो इम्पॉसिबल था। दूसरा जो अभी आपने जिक्र किया ग्राउंड वाटर जो लेवल था वो पहले डिक्लाइन हो रहा था लगातार, वो इंक्रीज हुआ है, इसके पीछे की क्या योजना रही और ये कैसे हो रहा है और आगे कहां तक हम इसमें सफलता पा पाएंगे? देखिये मैं मिशन नमामि गंगे की यदि चर्चा करूं, गंगा की स्वच्छता और अविरलता, निर्मलता और अविरलता बनी रहे इसको लेकर के देश में अनेक दशकों से प्रयास हो रहे थे। 1985 में तो मिशन जो है गंगा शुद्धिकरण के कार्यक्रम के रूप में फेज 1 में शुरू हो गया था, उसके बाद फेज 2 भी हुआ लेकिन अप्रोच फोकस नहीं थी और पीस मील में काम हो रहे थे, टुकड़ों टुकड़ों में यहां बना दिया, किसी ने कह दिया वहां एक सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया, उन सबके चलते हुए यथेष्ट परिणाम नहीं आ रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि गंगा ने मुझे सेवा के लिए बुलाया और जब मिशन मोड में हमने ये काम करना शुरू किया पूरे गंगा, और जब मैं गंगा की बात करता हूं तो प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि केवल गंगा की मुख्यधारा नहीं, उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज, पूरा बेसिन जो देश के लगभग 40% हिस्से के जीवन को प्रभावित करता है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, 40% देश की आबादी की आजीविका को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है, उस गंगा को के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए काम करें, एक हॉलिस्टिक प्लान बनाया गया, निवेश सुनिश्चित किया गया, पहले मुख्यधारा पर स्थित शहरों के सुवेज ट्रीटमेंट के जिनके कारण से जो न होने के कारण से जो संकट खड़े होते थे उसको जो है एड्रेस करने की दिशा में काम किया गया, उस दृष्टिकोण से भी नई व्यवस्था खड़ी की गई हाइब्रिड एन्युटी मोड के माध्यम से कि 15 साल तक रखरखाव भी हम साथ में सुनिश्चित करें। लंबे समय से काम हुआ, अब काम हो गया है, अब वो समय आ गया है जब उसका रिवर्ट मिले पब्लिक से, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को अब थोड़ी दूसरी दिशा में ले जाना चाहती हूं जिसका इसका मकसद है राजनीतिक, क्योंकि चुनाव है सब पे। आप खास तौर पे 2017 से चर्चा में रहे लेकिन क्योंकि हम पानी से संबंधित अभी बात कर रहे हैं, ईआरसीपी हुआ वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी तब नितिन गडकरी जी से ईआरसीपी पर चर्चा हो गई और कहते हैं कि फाइनल ड्राफ्ट जो होता है वो भी तैयार हुआ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर उनकी जिद है राष्ट्र परियोजना नहीं बनाने की ईआरसीपी को तो मेरी जिद है
मैं कैसे भी ईआरसीपी करके रहूंगा। लेकिन ईआरसीपी की चर्चा होती है तो आपका जिक्र आता ही है। आपने हाल ही में कहा कि राजेंद्र राठौड़ की सरकार आएगी तो मैं 46,000 करोड़ का पैसा दूंगा। ये ईआरसीपी क्या शगुफा है, क्योंकि ये चुनाव में मुद्दा रहेगा और आप इसमें केंद्र रहेंगे। 2016 में आदरणीय वसुंधरा जी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना की कल्पना की कि हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो समझौता है उस समझौते के आधार पर पानी लेकर और राजस्थान के हिस्से का पानी ऐसा मिलाकर राजस्थान को के इन 13 जिले जिनमें पीने का पानी भी एक संकट हो गया, यहां पीने का पानी आए, इसको लेकर के हम ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना करेंगे। कोई भी दो राज्यों के बीच में अगर परियोजना बनेगी तो तय नियम है, उसके नियमों के अनुरूप काम होगा। राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय के अधीन एक काम करता है, जो आज जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सरकारी उपक्रम है, जो इस तरह के डिजाइन्स डीपीआर बनाने में दुनिया भर में विख्यात है, 58 देशों में उनका काम है। बट वो एक कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सशुल्क ये काम दिया कि आप हमारे लिए इस योजना का निर्माण करें, इसकी डीपीआर बनाएं। उन्होंने डीपीआर बनाना प्रारंभ किया, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में चर्चा होकर के यह तय हुआ, अनुमान किया गया कि राजस्थान को लगभग 1750 एमसीएम पानी मिलेगा, जिससे राजस्थान के इन 13 जिलों की जो कुल पीने के पानी की को कि अनुमान किया गया कि आगामी 30-40 वर्ष तक कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से, तो उस सबको क्वांटिफाई किया गया, लगभग 1400-1500 एमसीएम के बीच पानी की आवश्यकता पड़ेगी। शेष बचे हुए पानी से जो इन 13 जिलों के में से 9 जिलों में जो एग्जिस्टिंग कमांड एरिया है, जहां छोटे बांध बने हैं, छोटे तालाब बने हैं, जिनसे सिंचाई होती है, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे पानी की आवक कम होने के कारण से वो सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती और उनका रकबा लगभग 2 लाख एकड़ से ज्यादा है, उसको हम रिप्लेनिश करके उनको पीने उनको जो है पानी भर सकेंगे, उससे जमीन में पानी रिचार्ज भी होगा और डायरेक्ट उनसे 2 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई को स्टेबलाइज किया जा सकेगा। क्योंकि दो राज्यों के बीच में ये योजना बन सकती है, देश की सरकार का जो नियम है और नियम हमने नहीं बनाया, 1960 के दशक में जब देश में बांध बनने शुरू हुए थे तब योजना आयोग ने यह तय किया था कि 75% डिपेंडेबिलिटी पर ही राज्यों की योजना बनेगी, इंटर स्टेट रिवर्स पर योजना बन सकती है और देश की 92% रिवर्स इंटर स्टेट है। इस 1960 के दशक से लेकर 2014 तक योजना आयोग ने इस पर 3 बार कुछ राज्यों के आग्रह पर समीक्षा भी की और तीनों बार व्यापक कंसल्टेशन के बाद में माना कि 75% यानी कोई भी 4 साल में से 3 साल तो कम से कम एवरेज इतना पानी आएगा, 1 साल कम हो सकता है लेकिन 3 तो आएगा, इतने स्तर पर ही योजना बननी चाहिए, इसको 3 बार डिस्कस करके भी वापस उसको माना कि यही देश के लिए उचित है। राज्य सरकार ने, क्योंकि वसुंधरा जी के मन में इस तरह का शायद सोच होगा कि हम मध्य प्रदेश के साथ में बात करके और मध्य प्रदेश से टाई अप करेंगे, दोनों राज्यों के बीच सहमति होगी तो हम लोअर डिपेंडेबिलिटी पर 50% पर भी योजना बना सकेंगे। उन्होंने राज्य सरकार ने राजस्थान सरकार ने वेबकॉस्ट जो संस्था डीपीआर बना रही थी उसको आग्रह किया कि आप इस डीपीआर को 50% पर बनाइए, हम मध्य प्रदेश से सहमति ले लेंगे। इसके लिए क्या सर कैबिनेट नोट चाहिए? कोई क्या कैबिनेट नोट, ये तो स्टेट और एक एजेंसी है, इट्स एज गुड एज ए कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म। इनकेस उन्होंने 50 में इसको राष्ट्रपति को, मैं आपको पूरा खुलासा करना चाहता हूं, क्योंकि प्रिंसिपल जो जिसके लिए नक्शा बनाना है, आज अदिति जी के लिए अगर मकान का नक्शा बनाना हो, अदिति कहेंगी कि मुझे 4 कमरे बना दीजिए, जो आर्किटेक्ट है वो 4 कमरे बनाएगा, अदिति जी को बीच में लगता है कि नहीं मुझे 4 से कैसे काम नहीं चलेगा, परिवार के दूसरे लोग भी आते हैं, मेहमान भी घर में आते हैं, मुझे 6 चाहिए तो वो 6 पे बना दे। वेबकॉस ने 50% डिपेंडेबिलिटी पर राज्य सरकार के आग्रह पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके राज्य को सबमिट कर दिया। नवंबर 2016 को वेबकॉस को काम दिया गया था, नवंबर 2017 में कंप्लीट करके वापस दिया और 2018 के शुरुआत में जनवरी या फरवरी में भारत सरकार को राज्य की सरकार ने
सीडब्ल्यूसी को उसके ऊपर क्लियरेंस करने के लिए भेजा। कोई भी दो राज्यों के बीच में या दो राज्यों के बीच में बहने वाली नदी के ऊपर अगर कोई परियोजना बनेगी तो उसको टेक्निकल क्लियरेंस लेना होगा जो सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन देता है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने प्राथमिक रूप से उसको देख करके ये ऑब्जर्वेशन लिख करके भेजा कि ये क्योंकि 50% पर बनी है, या तो आप मध्य प्रदेश से एनओसी लेकर के आइए तब आकर के हम इसको इवेल्युएट करेंगे और इवेल्युएट करके तकनीकी रूप से इसको स्वीकृत करेंगे, अन्यथा आप इसको 75% पर बना के लाइए जो आपका और मध्य प्रदेश का समझौता है उसके अनुरूप। राजस्थान सरकार को वापस भेजा गया, आज तक राजस्थान सरकार ने उसको रिवर्ट नहीं किया। इस बीच में राजस्थान में सरकार बदली, सरकार बदलने के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कल आपके साथ में जो इंटरव्यू मैं देख रहा था दो कुछ दिन पहले का, उसमें भी उन्होंने कहा, और उन्होंने तो यहां तक दोष कहा कि मध्य प्रदेश तो आप ही की सरकार है, कर लीजिए बात, क्यों नहीं कर रहे। मैं इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं, जब सरकार बनी थी 2018 में तब मध्य प्रदेश में भी, मैं याद दिलाना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कि तब उनकी सरकार थी वहां, उन्होंने कमलनाथ जी को चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा जनवरी 2019 में सरकार बनने के एक मात्र महीने बाद उन्होंने चिट्ठी लिखी। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने तुरंत ईआरसीपी पर आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि राजस्थान की आवश्यकताओं को देखते हुए 50% डिपेंडेबिलिटी पर इसकी अनुमति दी जानी चाहिए, मध्य प्रदेश एनओसी इश्यू करे। एक महीने बाद फरवरी में मैं चिट्ठी आपको दे दूंगा, कमलनाथ जी ने जो उनकी ही सरकार थी, वो मुझे कह रहे हैं उनकी ही सरकार थी, चिट्ठी लिख करके ये कहा कि इस परियोजना को 50% पर सहमति नहीं दी जा सकती, कृपया इसको 75% पर बनाए तब हम आपको इसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे। ये उनकी सरकार थी। और उसके बाद कमलनाथ जी ने यहीं तक नहीं, भारत सरकार को भी लिख करके भेजा कि मध्य प्रदेश के हितों के प्रतिकूल होने के चलते इस पर आप राजस्थान द्वारा भेजे गई इस परियोजना पर विचार भी न करें, और तब से लेकर के इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। मैं आज एक बात आपसे, आपके माध्यम से और राजस्थान की जनता को और देश की जनता को बताना चाहता हूं। वो बार बार ये कहते हैं कि 16 परियोजनाएं जो हैं वो देश में राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, उसमें राजस्थान की भी एक भी नहीं है, वो क्यों नहीं हो सकती। मैं उनको सिर्फ संज्ञान में देना चाहता हूं, वो आपके इंटरव्यू में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक बार मोदी जी ने कर दी, मोदी जी की सरकार बनने के बाद एक भी राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित हुई, जितनी है वो सब यूपीए के समय थी, और उनमें से अधिकांश जो है धरातल पर उसका किसी भी तरह का क्लियरेंस कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से एक शगुफा छोड़कर के उसको राष्ट्रीय परियोजना बना दिया गया। उनमें से जो है 80% अधूरी पड़ी थी, जिनको हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की और ऐसी हॉल्टेड ऐसी रुकी हुई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने का उपक्रम प्रारंभ किया, 107 ऐसी जो है हमने आइडेंटिफाई की थी, उसमें से 80 हम लगभग पूरी कर चुके हैं या होने वाली, और उसमें जो उसके लिए जो आवश्यकता थी राजस्थान की या किसी देश की कोई भी स्टेट अगर किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाना चाहता है, उसकी पहला उपबंध था कि उसमें 2,00,000 हेक्टेयर नया जमीन जो है वो सिंचाई के अधीन आनी चाहिए, नया इरिगेशन कमांड जनरेट होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान के हिस्से में जितना पानी आ रहा था जो 75% पे नियमों के हिसाब से, उससे वो 2,00,000 हेक्टेयर नहीं बनता था, इसलिए भी उस समय भी नहीं हो सकता था। और उसके बाद राजस्थान ने आज तक उसको लेकर के कदम आगे नहीं बढ़ाए। अब यदि राजस्थान सरकार इसे 75% पर बना ले, स्वीकृति प्रदान करती, तो भारत सरकार सहर्ष इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लेने को तैयार थी, उसमें भी 60% ग्रांट मिलती, और नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर होने पर भी 60% ग्रांट मिलती। 40,000 करोड़ की परियोजना पे 24,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को भारत सरकार ग्रांट के रूप में देती, बाकी बचा हुआ 40% यानी 16,000 करोड़ राजस्थान सरकार को खर्च करना था, और उससे राजस्थान को जो पानी मिलना था, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं आज आपके सामने, राजस्थान को जो पानी मिलता वो 1,750 मिलियन क्यूबिक मीटर मिलता, राजस्थान सरकार ने नहीं माना। मैंने 9 बार भारत सरकार में बैठा करके दोनों राज्यों के बीच सहमति बन सके इसको लेकर के मीटिंग की, एक बार भी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक बार भी राजस्थान सरकार का मंत्री उस मीटिंग में नहीं आया।
पहले मुख्यमंत्री जी के पास खुद चार्ज था और उसके बाद में जिनके पास था एक बार भी नहीं आए। मैंने प्रधानमंत्री जी से जाके निवेदन किया कि इस तरह से जो है लॉक जैम फंसा है, राजस्थान का विषय है, गहलोत साहब रोज राजनीति कर रहे हैं, मुझे भी गाली देते हैं, आपके लिए पता नहीं किस तरह के शब्द बोलते हैं, गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बातें करते हैं, 25 सांसदों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा रुको नहीं, आगे बढ़ो, तुम जयपुर जाकर के उनकी कन्वीनियंस ले लो, उनसे तय करके मीटिंग करो, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से तारीख निश्चित करके उनकी जो है सहूलियत के आधार पर तारीख निश्चित हुई 18 अप्रैल 2022। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों रहेंगे, हम पूरा भारत सरकार का लवाजमा लेकर के वहां पहुंचे, सचिव, सीडब्ल्यूसी चेयरमैन, एनडब्ल्यूडीए चेयरमैन, हमारे सारे अधिकारी सब वहां पहुंचे 17 तारीख शाम को, 18 सुबह 9 बजे मीटिंग थी, 17 शाम को रात को 9 बजे सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेज की चिट्ठी आती है, मुख्यमंत्री कार्यालय चिट्ठी नहीं भेजता और वो भी ईमेल से मेरे ऑफिस को जाती है कि मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे। हमने आग्रह किया आप चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिएगा, वो भी नहीं माने। अधिकारियों के साथ में जो पहले 9 मीटिंग कर चुके थे वही अधिकारियों के साथ में हमने दोबारा मीटिंग की और उस मीटिंग का परिणाम यह हुआ, उन्होंने कहा अधिकारियों ने हम पूर्ण रूप से सहमत है लेकिन पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं है। और वहीं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने रुके नहीं, मैं गंभीरता के साथ में कह रहा हूं, उन्होंने जो संवैधानिक शपथ लेकर के हम कुर्सी पर बैठते हैं उस शपथ के आगे बढ़ करके उसको डायल्यूट करते हुए इन 10 जिले जो प्रमुखतया प्रभावित हैं और कुल 13 जिलों की जनता के साथ में पाप किया है, और मैं इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूं पाप किया, उन्होंने ये जो जिद उनकी है कि हम खुद बनाएंगे ये घोषणा कर दी बिना सक्षम टेक्निकल क्लियरेंस के। आप इंटरस्टेट रिवर पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने टेक्निकल क्लियरेंस नहीं लिया, हालांकि उन्होंने ये कहा है, उसकी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेबकॉस ने बनाई है, उन्होंने ईआरसीपी के नाम पे एक नई परियोजना खड़ी की, नवनेरा गालवा ईसरदा बीसलपुर लिंक, वो लिंक बनाएंगे जो ईआरसीपी का कपल ऑफ कंपोनेंट्स में से एक है, हमने उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके दी, इसलिए मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूं कि 521 एमसीएम राजस्थान को पानी मिलेगा और लागत आज अनुमान हुई है 15-16 हजार करोड़ आएगी, जब तक पूरा होगा 20 हजार करोड़ पहुंचेगी। अब 15-16 हजार करोड़ खर्च करके आप 521 एमसीएम पानी ला रहे हैं, जो किसे मिलेगा, जयपुर के लिए 390 एमसीएम पीने का पानी, अजमेर के लिए 110 एमसीएम पीने का पानी, टोंक के लिए 45 एमसीएम पीने का पानी, कुल मिलाकर के इन 3 जिलों के लिए, इन 3 शहरों के लिए पीने का पानी, एक बूंद भी सिंचाई का पानी नहीं, और बाकी 10 जिले जिनके नाम पर यह राजनीति हो रही है उनके लिए एक बूंद भी पीने का पानी नहीं, उन सब 10 जिलों के लोगों को जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं उनको अपने हालात पर मरने के लिए छोड़ दिया, और आपने सिर्फ जिद में कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, न टेक्निकल क्लियरेंस है न इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्लियरेंस भी नहीं है। एक मकान अगर अदिति जी अपनी कॉलोनी में बनाना शुरू करें बिना बिना क्लियरेंस के, बिना नक्शा पास कराए बनाना शुरू करें, आप रोक देंगे? एक खान छोटी सी कोई खोदना शुरू करे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं ले उसको आप रोक देंगे? और जो अगरचे एक बड़ी परियोजना सरकार बना रही अवैध रूप से बना रही है और मध्य प्रदेश उसके सामने खड़ा है, 1 मिनट का समय और चाहिए मुझे, मध्य प्रदेश उसको लेकर के, क्योंकि ये परियोजना इलीगली बन रही है, इंटरस्टेट रिवर पर बन रही है, इसलिए मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट पर गया, उसका लांछन मुझे लगा था, और इससे आगे बढ़ करके मैं फिर प्रधानमंत्री जी के पास में गया, मैंने कहा तो उन्होंने कहा नया विकल्प ढूंढो गजेंद्र, कभी अवरोधों से घबराओ मत, आगे बढ़ो, इससे आगे सोचो, कुछ रास्ता निकलेगा। मैंने देश भर के एक्सपर्ट्स को बिठाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, IIT रुड़की, जो है मध्य प्रदेश राजस्थान के रिटायर्ड अधिकारी, सबको बिठा करके हमने नदी जोड़ने का एक और प्रकल्प जो है वो खड़ा किया, वो डिजाइन किया, उसकी PFR बनाई, और उस PFR के हिसाब से राजस्थान को 2500 एमसीएम पानी मिलता है, मध्य प्रदेश को 1300 एमसीएम मिलता है, उसकी अनुमानित लागत लगभग 40 हजार करोड़ आती है। दोनों राज्यों के अधिकारियों को बिठाया, दोनों ने सैद्धांतिक रूप से माना कि ये दोनों राज्यों के हित में है। अब 2500 एमसीएम पानी आएगा उससे क्या होगा, 13 राज्यों को 40 साल पीने की गारंटी, वो 2 लाख एकड़ जो छोटे छोटे टैंक्स को और पुराने बांधों को भरना था उसकी गारंटी, और 5 लाख एकड़ नई जमीन सिंचाई के रकबे में आएगी उसकी गारंटी, ये राजस्थान के लाभ, मध्य प्रदेश के 6 जिलों को लाभ होंगे 1000 एमसीएम पानी से, उनकी 1 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचाई पे आएगी 2.5 लाख एकड़, वो मध्य प्रदेश के लाभ, 40 हजार करोड़ लागत, क्योंकि नदी जोड़ने की परियोजनाएं
और मध्य प्रदेश की केन बेतवा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके 90% पैसा भारत सरकार ने ग्रांट के रूप में दिया है, इसमें भी मिलेगा। तो 40,000 में से 36,000 करोड़ भारत सरकार देगी, 4,000 करोड़ में दोनों राज्यों के बीच बटेगा, 2,400 करोड़ राजस्थान के हिस्से में आएगा, 1,600 करोड़ मध्य प्रदेश के हिस्से में आएगा, और उस 2,400 करोड़ में से जो है कई 100 करोड़ राजस्थान सरकार खर्च कर चुकी है, 700 करोड़ खर्च करके और 2,500 एमसीएम पानी राजस्थान को मिले, इसको लेकर के सहमति एमओयू कराने के लिए हमने राजस्थान के मंत्री को मीटिंग में आमंत्रित करके मीटिंग बुलाई, वो नहीं आए। 700 करोड़ खर्च करके 2,500 एमसीएम पानी मिलता है, 13 जिलों की तकदीर बदलती है, किसानों के खेत खुशहाल होते हैं, पीने का पानी मिलता है जो संकट का हमेशा के लिए समाधान होता है, 700 करोड़ खर्च करके और 2,500 एमसीएम पानी नहीं लेंगे और 15,000 करोड़ खर्च करके और आप 500 एमसीएम पानी लाना चाहते हैं, ये पाप है कि नहीं? आपने इतने डिटेल में इसकी एक्चुअल जो स्थिति है, कहां कहां से क्या क्या प्रोजेक्ट, क्योंकि टेक्निकल और वो जो टेक्निकल और क्लियरेंस ग्राउंड, लेकिन सर आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब चुनाव नजदीक होता है तो विकास से ज्यादा परसेप्शन की राजनीति होती है, परसेप्शन पे होती है, जातिवाद पे होती है, परसेप्शन ये बन गया है, ये आप भी जानते हैं। और मैंने खास तौर पे, मेरा एक एपिसोड चलता है राजनीति, उसमें मैं इन 13 जिलों में गई, तब मैंने देखा कि वहां पर ईआरसीपी को लेकर नाराजगी है। अब वो जनता है, वो कभी विधायक को लेकर नाराज है कि पानी नहीं आया, या वो ये नाराज है कि गजेंद्र सिंह जी ने पानी नहीं भेजा या भाजपा ने पानी भेजा, परसेप्शन में सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। टेक्निकल ग्राउंड आपने मुझे समझा दिया। देखिए, निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि परसेप्शन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनके सिपहसालारों ने एक बनाने की खड़ा कोशिश की, एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे आग्रह से कहूंगा, मैं अभी पिछले सप्ताह में 6 दिन वहां जाके आया, बिल्कुल अब की बार दौरा करिए, जो ये राजनीतिक खंजर उन्होंने हमारी पीठ में भोंकने के लिए तैयार किया था, अब वो खुद उनके ही पेट में घुसने के लिए तैयार खड़ा है। अब जाकर के वहां उनके मंत्री कहें, जनता चीख चीख करके पूछेगी कि सवाई माधोपुर को कितना बूंद पानी मिलेगा, दौसा को कितना बूंद पानी मिलेगा, अलवर को कितना बूंद पानी मिलेगा, बूंद कह रहा हूं, क्यूबिक मीटर्स बात नहीं कर रहा हूं, दौसा को कितना बूंद पानी मिलेगा, गंगापुर को कितना बूंद पानी मिलेगा, इसी से भरतपुर को कितना बूंद पानी मिलेगा। टेक्निकली समझ गए हैं आप, ये कह रहे हैं कि 50% से 75 कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं और सरकार, मैं तो 50-75 के बीच में भी नहीं हूं, मैं तो कहता हूं कि हमने नदी जोड़ने की परियोजना में इसको सम्मिलित कर दिया है, उसको हमने कमेटी से अप्रूव कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई अपेक्स कमेटी से, जो प्रायोरिटी लिंक है, जैसा मैंने कहा था कि 5 प्रायोरिटी के टॉप प्रायोरिटी, उसमें केन बेतवा जिस पे काम शुरू हो गया उसके बाद पहला प्रायोरिटी का लिंक बना दिया कि ये सबसे पहले देश में इस पे काम करेंगे, सहमति बनाएं, आज गहलोत साहब उसके ऊपर राजस्थान की तरफ स्वीकृति करें कि एमओयू करेंगे, और राजस्थान और मध्य प्रदेश तैयार है, दोनों के बीच में एमओयू करें, हम इसको जो है नदी जोड़ने के प्रकल्प के रूप में घोषित करेंगे, जहां भारत सरकार सहायता करेगी और 10% पैसा देकर के राज्य सरकारों के, दोनों राज्यों के जो है जनता का भला होने वाला है। सर आप बड़ी जिम्मेदारी से, आपने काफी सारी बातें करी, क्या उतनी ही जिम्मेदारी से आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो ये पानी का मसला, खासतौर पर इन 3 जिलों का, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे जो आपने ये दूसरा मेथड बताया, आप करके देंगे अगर आपकी सरकार आती है तो? मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी, और साथ में पानी का मसला, इसके आगे मुझे पूरी बात करने दीजिए, उससे आगे कि राजस्थान सरकार की जो पहली कैबिनेट होगी उसमें राजस्थान की तरफ से स्वीकृति दी जाएगी ईआरसीपी को, ईआरसीपी नहीं, नदी जोड़ने की परियोजना को, अब वो ईआरसीपी पीकेसी सब मिलकर के एक नया परियोजना जो है वो बन चुकी है। सर आप हमेशा से चर्चाओं में रहे, आपने इतनी बड़ी बात भी कही और उसके लिए मैं चाहूंगी कि लोगों तक पहुंचे जिससे उनका, क्योंकि आप हाल ही में भी गए, आपने कहा कि सरकार बन रही है, एक तरफ लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोज कोई ना कोई घोषणा करते हैं, चिरंजीवी का फायदा बताते हैं, वो लाभार्थियों से मिलते हैं, वो अपने, उनके पैर में चोट थी उसके बावजूद भी हर हफ्ते कोई एक सरप्राइज था, अभी राखी पे वो अपने माता बहनों को भी एक गिफ्ट देने वाले हैं, ऐसे तमाम योजनाएं आ रही है। आपको लगता है कि जो परसेप्शन वाली राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा तो जमीन पर खड़ा ही नहीं कर पाई सरकार के अंतिम समय में आकर के, जब अंतिम पायदान पर सांस सरकार गिन रही है, उस समय आप 2030 का लक्ष्य लेकर के बात जो है वार्ता क्यों करते हैं, उस समय आपको महंगाई क्यों याद आती है,
उस समय आपको जो है हम ये सब काम करेंगे ऐसी घोषणाएं क्यों करनी पड़ती, क्योंकि 4.5 साल तक यू हैव फेल्ड टू डिलीवर, आप डिलीवर नहीं कर पाए, इसलिए आपकी प्राथमिकता कुर्सी बचाना थी। जिस तरह के हालात राजस्थान में बने थे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस तरह की थी, राजस्थान को आपने रेप कैपिटल बना दिया, और आपके मंत्री वहां जो है विधानसभा में खड़े होकर के ये कहते हैं, और पूरी कांग्रेस पार्टी के बेंच पे बैठे हुए लोग ताली बजाते हैं, टेबल बजाते हैं, हंसते हैं कि मंत्री ये कहते हैं कि ये इस राजस्थान में रेप इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री ये कहकर के अपना पल्ला छुड़ाते हुए दिखते हैं कि हमने केसेस ज्यादा रजिस्टर करने शुरू कर दिए, फिर कहते हैं कि रिश्तेदार सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं करते हैं, और आजकल ये कह रहे हैं कि हम अपराधियों को जल्दी पकड़ लेते हैं। क्या अपराधी को पकड़ने से, मेरा प्रश्न है मुख्यमंत्री जी से, भाजपा से अलावा कि जहां भी सरकार है वो मणिपुर ले आता है। मैंने हाल ही में जो इंटरव्यू किया जिसका आप जिक्र करते, वो कह रहे थे कि मणिपुर में तो 90 दिन तक कोई रिएक्शन नहीं आया, मैंने तो 2 घंटे में कर दिया। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मैं 2 विषय इस बारे में लाना चाहता हूं। देश में कहीं भी किसी भी महिला के साथ में हो, ये निश्चित रूप से अस्वीकार्य है और दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय भी है, लेकिन राजस्थान में जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है राजस्थान? वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं कि नहीं? वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए अपने मुंह पर छपी हुई कालिक को पोतने के लिए दूसरों का मुंह मुझसे काला है या मेरे से बराबर काला है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इससे राजस्थान की बेटियों को, मैं 2 बेटियों का पिता हूं, मैं राजस्थान में की बेटियों की बात करता हूं, मैं उनका दर्द समझ सकता हूं, क्या उनको न्याय मिल जाएगा? मेरा एक सवाल है, इसको आप राजस्थान के एक सिटीजन के तौर पर भी बता सकते हैं उस तरीके से। 250 रुपये प्रति लीटर तेल है, अब एक अन्नपूर्णा पैकेट योजना दी गई जिसमें एक बॉटल तेल आता है, मसाले आते हैं, दाल आती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर वो घर घरों में जा रही है तो क्या महंगाई से राहत नहीं मानते आप उसे? अन्नपूर्णा किट घरों में पहुंचा, उसके साथ ही उसकी मिर्ची के वीडियो पूरे देश के मोबाइल में पहुंचे, और उसके बाद जैसलमेर में लेबोरेटरी में उस किट के अंदर रखे गए पदार्थों की जांच हुई, धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक सब स्टैंडर्ड, ये सरकार की लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। 24,000 घरों तक राशन पहुंच गया, वो किट पहुंच गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया, कलेक्टर को रोक लगानी पड़ी कि आगे इस पर डिस्ट्रीब्यूशन न करें। जैसलमेर के बाद बाड़मेर कलेक्टर ने को भी तुरंत रोक लगानी पड़ी। 24,000 घरों तक मिलावटी भोजन भेजने का अपराध किसने किया है? कौन अपराधी है? अगर एक व्यापारी दुकानदार बेच करके अगर छोटा सा कहीं सैंपल फेल हो जाता, उठा करके जेल में बंद करते थे, और 24,000 घरों तक मिलावटी खाना अशोक गहलोत साहब की फोटो लगा करके भेज रहे, और आपने कार्रवाई के नाम पर यह की कि ठेकेदार को नोटिस दिया। जो सरकार 24,000 घरों तक मिलावटी खाना भेज करके उन 24,000 परिवारों की सेहत के साथ में खिलवाड़ कर रही है, उस सरकार को किसी तरह से माफ नहीं किया जा सकता, क्रिमिनल सेक्शन में कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपके लिए एक पिछले लंबे समय से चाहे अखबारें देख लें, चाहे नहीं तो अशोक गहलोत साहब का बयान देख लें, आपका और उनका एक अलग तरीके का, मैंने पहले भी देखा जब वो मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो आपका एक स्नेह था, आप उनसे मिलने जाते, उनका भी स्नेह आपके प्रति शुरुआत में देखने को मिला। लेकिन ये जो ये राजनीतिक कड़वाहट है, या जरूरी है राजनीति में, या एक्चुअल कोई बात है, संजीवनी को लेकर जो आप दोनों के बीच में वार्तालाप रही, उसके बाद मानहानि तक का जो केस हो गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और आपको संजीवनी को लेकर लगातार उन्होंने तमाम जो आरोप आप पे लगाए, उसकी क्या, उसको आप कैसे देखते हैं? 2019 में उनके पुत्र के हार के बाद मुझे लगता है कि शायद, और फैसला तो मेरा नहीं था, जोधपुर की जनता का था, उनके मन में कहीं खिन्नता इसको लेकर के आई होगी। अब तब से लेकर के उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया, एक ऐसे विषय को लेकर के जिससे मेरा प्रत्यक्ष रूप से 3 पीढ़ी से मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं है, उसको लेकर के उन्होंने कितनी बार टिप्पणियां की है। मेरे परिवार पे, मेरी दिवंगत मां पर उन्होंने जब खड़े होकर के टिप्पणी की और उसे अपराधी बताया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो कभी अपना पक्ष नहीं रख पाएंगे, तब मजबूरन मुझे जाकर के न्यायालय में यह गुहार लगानी पड़ी कि मेरा जो है डिफेमेशन कर रहे हैं, मेरी मानहानि कर रहे हैं। और उस केस पर न्यायाधीश ने अपने पूरे विवेक का उपयोग करते हुए दिल्ली पुलिस से प्रारंभिक जांच करा करके फिर उनको जो है अभियुक्त मानते हुए बेल बॉन्ड भरने के लिए आदेश किया।
और उससे आगे इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के उन्होंने इतनी बार चर्चाएं की, मैंने जाकर के, क्योंकि मुझे लगता था कि जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है उनको, सिर्फ क्योंकि मेरे साथ संबंध है इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। तब मैंने जाकर के न्यायालय में एक एप्लीकेशन लगाई। वो कहते हैं कि मैं जमानत क्यों कराई, मैं उसका खुलासा करना चाहता हूं। मैं जमानत की एप्लीकेशन लेकर के नहीं गया कोर्ट में, मैंने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी का जो है जांच चल रही है, एफआईआर नहीं जांच चल रही है, मेरे खिलाफ इस जांच को रोका जाए। कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने न्यायालय में, बैटरी ऑफ लॉयर्स वॉज देयर, इतने बड़े बड़े वकील लाए गए, एक एक दिन में आप जांच करिएगा कितने कितने जो है करोड़ रुपए उस पर फीस खर्च की गई है। एक ऐसे व्यक्ति को जो ये जानते हैं कि ये इसका कहीं कोई अपराध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको झूठा फंसाने और फंसाने के लिए, राजनीति करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए आपने राज्य के लोगों के टैक्स का करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। और वहां जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या एक जो दर्ज हुई अब तक की 125-30 एफआईआर में से कहीं गजेंद्र सिंह का नाम है, तो न्यायाधीश ने कहा कि, तब वकील ने कहा नहीं है, किसी भी चार्जशीट में नाम है, तो उन्होंने कहा नहीं है। तो फिर आप क्या जरूरत पड़ी कि हमने एंटीसिपेशन में बेल, मैंने एंटीसिपेशन बेल अप्लाई नहीं की, यही तो मैं कह रहा हूं। माना तो बेल बॉन्ड के लिए अपियर होने के लिए कहा गया इस बार, भाई मुझे तो एज ए कंप्लेनेंट मुझे तो जाना ही है, मैं दो बार नहीं जा पाया, अगली बार में जाऊंगा, लेकिन मैं तो कंप्लेनेंट की तरह जाऊंगा, वो अभियुक्त की तरह जाएंगे, उनको जाकर के वहां बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा। मैंने बेल बॉन्ड नहीं भरा राजस्थान उच्च न्यायालय में जाकर के, ये भी झूठ फैलाने की कोशिश की। एक वो वॉइस सैंपल को लेकर के कितनी तरह के झूठ फैलाए गए कि मैं पुलिस से भाग रहा हूं, मैं जो है सिक्योरिटी मैंने इसलिए ली है कि एसओजी गिरफ्तार कर लेगी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज दिन तक 2022 की जुलाई से लेकर आज हम अगस्त 2023 के अंत में खड़े हैं, 2020 से 23 तीन साल हो गए, आज तक मुझे एसीबी ने नोटिस ही नहीं किया कि आप आकर के वॉइस सैंपल दो। जो लोग उस तथाकथित ऑडियो में उनके साथ थे वो तो रोज कैबिनेट में बैठते हैं, उनका सैंपल क्यों नहीं ले लेते? वो आपके साथ बैठ करके कॉफी पी रहे थे, अब दिवंगत हो गए, उनका सैंपल क्यों नहीं लिया आपने? तो सर ये मान लिया जाए कि अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री पर मानहानी का दावा जो किया है वो भविष्य के मुख्यमंत्री ने किया है? देखो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं किसी तरह की ऐसी रेस में नहीं हूं और न मेरे संस्कार ही कहते हैं कि मुझे इस तरह के किसी एस्पिरेशन के साथ में काम करना चाहिए। लेकिन सर आपको जो प्यार से पूरी राजस्थान की जनता, जोधपुर की जनता गज्जू बनाए प्यार से कहती है, उनकी तो उम्मीद है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री गज्जू बनाओ। उनका स्नेह है, उनकी उम्मीद है, उनका प्रेम है, उनका प्यार है, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं जिस संगठन से आता हूं, जिस विचारधारा से आता हूं, हमारे यहां व्यक्ति यह तय नहीं करता कि कौन किस जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। आपसे पूछा जाए एमपी एमएलए आपकी इच्छा जानी जाए तो क्या चाहेंगे? फिर मैंने कहा आपको सर एक आपके लिहाज से आपके कार्यकर्ताओं के लिए जवाब। 2013 में मुझे माननीय वसुंधरा जी और मेरे मेंटर्स ने यह कहा था कि तुमको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव से थोड़े दिन बाद पहले यही जुलाई अगस्त का महीना था, मैंने हाथ जोड़ करके कहा था कि जब मुझे लड़ना था चुनाव लड़ सकता था, स्टूडेंट यूनियन से आया था, जब मैं उस दिशा में काम कर रहा था तब तो आप कह रहे थे कि नहीं बॉर्डर पे काम करो, अभी क्यों मुझे भेजना चाहते हैं। और उस दिन मैंने हंसते हंसते कहा था कि विधानसभा के बजाय मुझे लोकसभा में भेज देंगे ज्यादा प्रसन्नता होगी। इसलिए देखिए विधानसभा लोकसभा ये सब गौण है, राजनीतिक क्षेत्र या अन्य क्षेत्र भी गौण है, प्राथमिक यह है कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या, आपका सोच क्या है, आपका विचार क्या है, आपका ध्येय क्या है। ध्येय सेवा का हो और संकल्प जो है वो भारत का सम्मान बढ़ाने का हो, कहीं भी रहेंगे उसी की तरह काम करेंगे। सर 4.5 साल जैसा आपने कहा भी कि कुर्सी बचाने का काम किया कांग्रेस में, 4.5 साल बहुत कुछ हुआ जो सबके आंखों के सामने है, गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, तमाम चीजें, लेकिन अब वो थमता नजर आया, चुनाव आए वो थम गया और यही एकदम मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी में दिख रहा है। मैंने वसुंधरा जी का नाम जितनी देर आप और मैं वार्तालाप कर रहे हैं आपके मुंह से सुना, नहीं तो मैंने कई लोगों से बतौर पत्रकार मैं मुलाकात करती हूं, वसुंधरा जी का नाम मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं सुन रही हूं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जो समर्थक हैं वो इस बात से नाराज हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, अशोक गहलोत वर्सेज नरेंद्र मोदी,
अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे, मैं फिर भी कहूंगी अशोक गहलोत वर्सेस गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत वर्सेस राजेंद्र राठौड़, अशोक गहलोत वर्सेस सतीश पूनिया या अशोक गहलोत वर्सेस ओम बिरला। मुझे नाम तो बहुत है, अर्जुन राम मेघवाल जी का भी है, तमाम बड़े नाम है। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, ये असत्य वर्सेस सत्य है, ये भ्रष्टाचार वर्सेस सुशासन है। ये केवल ऐसा विषय नहीं है। जो विषय आपने प्रारंभ किया मैं वहां से टिप्पणी करना चाहता हूं। आपने कहा कि जो एपिसोड चले गुस्सा कुर्सी का हुआ वो सब अब थम गया, लेकिन 4.5 साल में राजस्थान के लोगों को खून का आंसू रोना पड़ा। राजस्थान जो प्रगति के पैरामीटर्स पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के पैरामीटर्स से जो टॉप 5 में होता था वो बॉटम 5 में पहुंच गया। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बात जरूर करूंगी क्योंकि 2030 पर है, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस उस पर आऊंगी। 2030 एक मिशन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा और उन्होंने दावे के साथ ये कहा कि आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा ऐसा स्टेट है जो बहुत बेहतर जीडीपी में कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि बहुत सारी चीजों में, खनिज पदार्थ हो गए, तमाम चीजों में राजस्थान नंबर 1 है और हम 2030 के माध्यम से राजस्थान को नंबर 1 हर परिप्रेक्ष्य बनाना चाहते हैं। देखिए, जब मैंने वो इंटरव्यू देखा था मुझे समझ नहीं आया, जिस व्यक्ति को 3 टर्म पूरे राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिला हो, 1998 में माननीय गहलोत साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 1998 को लगभग 25 साल बीते हैं, गहलोत साहब की उम्र अभी शायद मुझे लगता है 70-73 साल होगी, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं लेकिन 70 साल के आसपास होगी। 45-46 साल की उम्र में उनको राजस्थान की सेवा करने का अवसर मिला। तीसरे टर्म के अंतिम महीना जब होगा, आचार संहिता अक्टूबर के शायद पहले सप्ताह में लगेगी, और आपके इंटरव्यू में ही मैंने देखा है कि उन्होंने कहा कि सितंबर में हम विजन 2030 के बारे में बात करेंगे। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, 14 साल और 11 महीने बीत जाने के बाद में किसी नेता को उसका विजन समझ में आता है और हमको क्या करना चाहिए ये समझ में आता है, तो मुझे तो राजस्थान की जनता के निर्णय पर कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुन करके भेजती है, मुझे लगता है कि संदेह होता है। आपने सर एक बात करी अभी कि अक्टूबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जब वसुंधरा राजे 2013 में 2018 में यात्रा निकालती थी, अप्रैल में शुरू करती थी, सितंबर में खत्म होती थी। कार्यकर्ताओं का सवाल है जो आप तक लेकर आए, सवाल यह है कि सितंबर में तो शुरू हो रही है, 25 सितंबर को खत्म हो जाएगी, 200 विधानसभाएं हैं, क्षेत्र के लिहाज से देखें क्षेत्रफल में तो बहुत बड़ा राजस्थान है। दूसरी बात है, पहले 3 तरीके से यात्रा होनी थी, फिर 4 जगह से निकलनी थी, फिर कोई लोकल लीडरशिप थी वो हट गई है, अब राजनाथ जी आएंगे, अब गडकरी जी आएंगे, अब नड्डा जी आएंगे, अमित भाई आएंगे, कुछ तय नहीं है। तो कार्यकर्ता ही कंफ्यूज हैं, जनता की तो बात ही नहीं है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमें किस यात्रा में कब कहां रहना है, कौन लीडर कहां रहेगा, ये कंफ्यूजन क्यों है सर इतना? और फिर 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। देखिए, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। 1.5 साल पहले आप ही के टीवी चैनल के, आपको उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिएगा, माननीय अमित शाह जी ने, जो राष्ट्रीय भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और देश के गृहमंत्री भी हैं, उन्होंने जयपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाषण में कहा था कि राजस्थान में हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे। यात्रा निकालने का विषय आया क्योंकि वसुंधरा जी अकेले जब यात्रा करते थे तो उनको इतना समय लगता था, अब हम सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे पास हम समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस लक्ष्य को लेकर के हमने पहले जनाक्रोश यात्रा 200 विधानसभाओं में की थी, अब हम परिवर्तन यात्रा को हर विधानसभा तक ले जा रहे हैं। और यह पहले दिन से तय था कि यात्रा का शुभारंभ करने के लिए देश की सरकार के वरिष्ठ नेता आएंगे। 3 यात्राओं की पहले संकल्पना की थी, फिर लगता था कि 3 यात्राएं करके राजस्थान को पूरा कवर करना इस जो कालखंड में कुछ मुश्किल होगा, हमको समय का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इसलिए उसको हमने 4 यात्राओं में तब्दील किया। और एकदम क्लियर है, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट आ चुका है कि सभी नेता सब जगह
जहां जैसी उपयोगिता होगी सब लोग उसमें रहेंगे। सर इतना बड़ा जन आक्रोश के बाद एक 5 लाख लोग इकट्ठे होंगे ऐसा कहा गया था, जयपुर में एक बहुत बड़ी रैली होती है और जैसा आपने वसुंधरा जी की बात करी पूर्व मुख्यमंत्री की, वो नहीं आती है उसमें, ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो नहीं आती और कम्युनिकेशन गैप ये होता है कि प्रदेश कहता है कि हमने इन्वाइट किया, उनके लोग कहते हैं कि केवल सूचना दी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा जब चुनाव ऐसे हैं तो फिर कैसे, क्योंकि इसका सबसे बड़ी बात यह है कर्नाटक के नतीजे ये बताते हैं कि एक चेहरे की कमी के चलते, नरेंद्र मोदी चेहरा है लेकिन विधानसभा और लोकसभा अलग तरीके से लड़ा जाता है, तो कर्नाटक के नतीजों से भाजपा कुछ सीखी नहीं राजस्थान में? देखिए अदिति जी, मैं कई बार आपकी प्रशंसा करते हुए कहता हूं कि आप राजनीति को बहुत क्लोजली फॉलो करती हैं और उसकी तकनीकी को भी बारीकी को भी समझती हैं। अगर आप ये प्रश्न करेंगी तो ठीक नहीं होगा। कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का मत 0.001% भी कम नहीं हुआ, बढ़ा जब हम सरकार में आए थे उससे लेकर के और जब हम सरकार में से बाहर हुए उसमें। जेडीएस का मत जो है एकदम ड्रेस्टिकली गिर करके कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, आप कारणों में विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, कभी समय होगा वो भी बताऊंगा, उसके कारण से हम सत्ता से बाहर हुए, चेहरे वे और ये सब विषय नहीं थे। राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, एक उदाहरण मैंने आपके सामने अभी दिया, ये तो लेटेस्ट है, कितने सारे कहीं किसी प्रदेश में ऐसा हुआ है कि सरकार के योजना भवन की अलमारी से कैश निकल रहा हो, सोना निकल रहा हो और एक छोटे से कर्मचारी को पकड़ करके आपने बाद में अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी और पर्दा डाल दिया। अखबार चीख चीख करके कह रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां सरकार ने एसीबी द्वारा ट्रैप किए गए व्यक्ति को खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। भ्रष्टाचार में राजस्थान को धकेल दिया। राजस्थान में पेपर लीक जिस तरह से हुआ, पहले पेपर लीक से लेकर के 17वें पेपर लीक तक, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है, न इसमें कोई कर्मचारी अधिकारी लिप्त है न कोई नेता लिप्त है, तब कोई चांद से आकर के लिप्त हो रहा था। जांच हुई, पहली जांच पहले कदम चली और आरपीएससी के जो है माननीय सदस्य तक लपेटे में आ गए। उसके बाद में अखबारों ने जो छापा वो, क्योंकि मुझे कोट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कितना ऑथेंटिक है कि वो कितने पैसे किसको देकर के मन सदस्य बने थे, लेकिन उससे आगे बढ़ करके, लेकिन उससे आगे बढ़ करके भी 17 बार पेपर लीक हो गए। अब पेपर 17वें पेपर लीक के बाद में हमने कहा हमने कानून बना दिया, भाई आपको पहले पेपर लीक के बाद में कानून बनाने के लिए किसने रोका था? आप खुश हो रहे हैं कि हमने पेपर लीक गुजरात का, आपने खुश होकर के आपने ये कहा, आपने जो है, मैं गुजरात से तुलना नहीं करता, मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करता, मैं कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी राजस्थान में थी कि नहीं थी? आप दूसरे प्रदेशों की बात को करके अपनी जिम्मेदारी से अपने अपराध से भाग सकते हैं? सवाल यह है कि आप अपने पॉलिटिकल शार्पनेस से, उसके जब मैंने भाजपा के अंदरूनी जो खींचतान पे सवाल किया आपने सरकार की, देखिए मैं आपको उसके ऊपर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। गुजरात से तुलना कर रहे थे वो कल, गुजरात में पिछले 30 साल में कितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, हर जिला उद्योग धंधों से भरा पड़ा है, हमारे यहां क्यों नहीं कर पाए? गुजरात की परिस्थिति ऑलमोस्ट हमारे जैसी थी, इतना ही क्षेत्र में सूखा पड़ता था, हम इसलिए नहीं कर पाए कि हमारे यहां अमन चैन और शांति नहीं थी। जो सरकार ने कभी हिस्सेदार हूं मैं उद्यमी का, यहां जो उद्योग लगा रहा है, उस दृष्टिकोण से काम नहीं किया, उनकी गर्दन किस तरह से काटी जा सकती है, उनकी जेब किस तरह से काटी जा सकती है, ये अप्रोच रही, उसके कारण राजस्थान की यह दुर्दशा है। राजस्थान विजन के साथ में काम करे, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान देश की इंडस्ट्रियल राजधानी बन सकता है। राजस्थान में एक सी पोर्ट की कमी है, केवल वो कमी है, वो भी हम कॉन्सेप्ट लेकर के खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने आने वाले मैनिफेस्टो में उसे शामिल करें। मैं आग्रह करूंगा कि हम का जो है लखपत क्रीक से खोद करके सांचौर तक ला करके पूरे कच्छ ऑफ रेन में एक कैनाल ड्रेज करें और वहां पोर्ट बनाएं। पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए पोर्ट का एक्सेस 350-650 किलोमीटर पहले हो जाएगा और राजस्थान की तकदीर बदल जाएगी। हम ये सब कर सकते हैं। 2030 के साथ में आपका विजन भी पूछूंगी, जो मुझे काफी हद तक आपने ही बताया, लेकिन मैनिफेस्टो का जिक्र किया और मैनिफेस्टो के जो सरदार हैं, जो हेड हैं, वो अर्जुन राम मेघवाल हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल कि क्या चल रहा है पार्टी में? कैलाश मेघवाल सीनियर आपके नेता के रूप में हैं, वो कल कहते हैं अपनी ही पार्टी के अर्जुन राम मेघवाल के लिए कि वो भ्रष्ट हैं, एसीबी का भी जिक्र करते हैं। फिर रात होती है तो अर्जुन राम मेघवाल के बेटे आरोप लगा देते हैं वसुंधरा राजे सरकार को लेकर।
इसीलिए मैं बार बार उस सवाल पे आपको लेकर आ रही हूँ। देखिए, मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की टिप्पणियों में नहीं जाना चाहता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मैं आज की बात कर रहा हूं, आपसे पहले के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी अग्रणी कार्यकर्ता जो हैं, उन सब में किसी के भी मन में कहीं भी किसी भी तरह का भेद नहीं है, किसी के भी। हमारा एक लक्ष्य है और वो है इस अराजक सरकार, इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़कर फेंकना और राजस्थान में सुशासन स्थापित करना। इंतजार है लेकिन अभी भी एक सूची का, जो होगी चुनाव कैंपेन कमेटी का चेहरा। कार्यकर्ताओं को लगता है कि शायद वही हमारा चेहरा हो। उम्मीद करें कि कोई एक नई सूची आएगी। देखिए, यह तय करना मेरा विषय नहीं है, यह तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रेरोगेटिव है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम सबका, चाहे कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, हम सबका एक लक्ष्य है, इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ करके फेंकेंगे। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि वो नहीं, उससे भी बुरा हश्र होगा जो 2013 में कांग्रेस का हुआ था। हाल ही में उन्होंने कहा, जब जाति समीकरण की बात हो रही थी, राजस्थान में लगभग 200 सीटों पर माली वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी का बैंक हुआ करता था, थोड़ा बहुत जो था जो कांग्रेस के साथ था। लेकिन अब जो उनका खुद का भी सर्वे है और ऐसी चीज निकल कर आ रही कि पूरा का पूरा माली समाज लामबंद होकर इस बार अशोक गहलोत को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। जब ये सवाल मैंने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं वो माली हूं जो असली माली का काम करूंगा, सारी जातियों के फूलों को एक गुलदस्ते में रखूंगा। चलिए, मैं इस पर टिप्पणी करने के बजाय दूसरी तरह से टिप्पणी करना चाहता हूं। क्या माली समाज के बेटे बेरोजगारी का दंश नहीं भोग रहे? क्या माली समाज की महिलाओं ने के राजस्थान की बेटियों के साथ जो अपमानजनक दुर्दंड जो व्यवहार हुआ है, जो उनके साथ बलात्कार हुए, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुए, उसका दर्द वो नहीं महसूस करते? क्या राजस्थान की दुर्दशा को के साथ में राजस्थान के माली समाज के लोग दुखी नहीं है? क्या राजस्थान में जिस तरह से अंधाधुंध तुष्टिकरण हो रहा है, हिंदू त्योहारों पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाए गए, उसको लेकर के माली समाज के मन में आक्रोश नहीं है? वो किसी एक जाति तक बंद करके देखते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अब की बार राजस्थान की जनता, राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिलाएं जिनके घर में बेटियां हैं, राजस्थान की माताएं, बहनें, बच्चियां, अब की बार राजस्थान में सुशासन लाने के लिए इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट करेंगे। अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए जितना वोट होगा, उससे कई गुना वोट कांग्रेस की इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए होगा। सचिन पायलट का कोई इम्पैक्ट देखते हैं सर? वो इम्पैक्ट तो मुझे लगता है कि उनको अब उनके यहां वापस तथाकथित शांति होने के बाद में क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी चिंता करनी चाहिए। सर, अब ये सवाल आखिरी है, कार्यकर्ताओं की तरफ से है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मैं पूरे इंटरव्यू में तो समझ गई कि आपका लक्ष्य है भारत माता की सेवा, लेकिन राजस्थान और राजनीतिक लिहाज से अगले 5 सालों में गजेंद्र सिंह शेखावत खुद को कहां देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिस लक्ष्य को लेकर के हम सब चलें, उसको पूरा करने के लिए जो कोई भी राजस्थान का नेतृत्व कर रहा होगा, जो कोई भी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि सरकार प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जो कोई भी राजस्थान का नेतृत्व कर रहा होगा वो पूर्ण रूप से यशस्वी हो, सफल हो, उसकी उसकी पूरी ताकत से उसका सहयोग करता हुआ मैं अपनी भूमिका देखता हूं। गजेंद्र सिंह जी, यही वजह है कि ये माना जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपके पसंदीदा, मतलब आप उनके पसंदीदा नेताओं में, और शायद आज इंटरव्यू से हम ये समझ ही गए हैं कि हमने लगातार कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजस्थान में क्या कुछ चल रहा है, तमाम नेताओं के नाम लिए, लेकिन उन्होंने हर बात को पॉलिटिकल स्मार्टनेस के साथ दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पर वो लेकर आ गए। बहुत सारी और बातें हैं जो यहां पर हमें करनी है, चाहे एनडीए हो, आईएनडीआई हो, इसीलिए ये पॉलिटिकल सीरीज जारी रहेगी, अगला इंटरव्यू जिसमें हम और विस्तार से राजस्थान और देश की राजनीति पर बात करेंगे। लेकिन आज जो हमने तमाम चर्चा की वो साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के माध्यम से 2024 का खिला फतह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत जी आपका, धन्यवाद इंटरव्यू।